हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये देखिए मेरी ब्यूटीफुल एलिजा बेदकर वीडियो मैं आज लाई हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए मेरी मोटू कैसे बैठी है। हेलो हेलो मोटू, कैसे हो आप? अच्छे हो? हाँ, देखिए कैप लगा के बैठी हुई हैं, आराम से देख रही हैं। इनकी आंखें देखिए आप कैसी हैं। अपने मास्टर की कैप लगा लिया इन्होंने, तो बहुत इनको मस्ती है फ्रेंड, बहुत मस्ती करती हैं ये। इनको बहुत भी ठंडक लग रहा है, तो अपना स्वेटर हमने इनको खरीद के लाया, स्वेटर निकाल दिया इन्होंने। इनको उलन चीज़ों से वो रहता है, जब यहाँ भी ठंडक पड़ रही है तो स्वेटर पहनना पसंद नहीं करती हैं। बैठी हुई हैं, कोई भी यदि हमारे घर में आ जाएगा तो उसको इतना भौंकती कोई आना पसंद नहीं करता। इतनी छोटी सी हैं फिर भी ये बड़े बड़े डॉग को, बड़े बड़े किसी को भी अजनबी को देख लेंगी तो ये घर में उसको आने नहीं देंगी। उसको इतना मतलब ये काटती हैं इतना ज़्यादा भौंकती हैं कि वो सामने वाला आना पसंद नहीं करता है। पूरे कॉम्प्लेक्स में ये फेमस हैं। इतनी छोटी सी हैं पर बड़े बड़े डॉग को ये जो है दौड़ाती हैं, और हम लोगों को डर लगता है कि कोई एक बड़ा डॉग इनको दबोच लेगा तो इनका क्या होगा। एकदम 5 किलो की तो हैं अभी, ये 6 किलो की। और इनको खाने को फ्रेंड जो है ऊपर देखो, देसी घी का पराठा चाहिए, एलीजा मलाई चाहिए। डॉक्टर ने मना किया है फिर भी ये सब चीज़ें इनको चाहिए। मीठे की तो बहुत शौकीन है, बहुत स्मेल कर लेती हैं। इनको मीठा चाहिए खाने के लिए, अपना फूड नहीं पेडिग्री नहीं खाना पसंद करती हैं। पेडिग्री में इनकी कैल्शियम की दवा थोड़ी मिलाई जाती है तो थोड़ा खाएंगी। ज्यादातर ये मीठा फ्रूट सही है, डॉक्टर ने मना किया है देने के लिए। एलिजा, जो चीज एलिजा पसंद आता है वही खाती हैं जबरदस्ती। एलिजा खाने नहीं देंगी, यदि मैंने एक मीठा भी ले लिया तो वो जंप करके मेरे हाथ से छीनी लेंगी। उनको थोड़ा सा चाहिए ही चाहिए। यदि घर के जितने भी मेंबर आए पहले उनको प्यार करें फिर घर में अंदर जाएं, उनको प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए होता है फ्रेंड। मैं एक भी टेडी बियर लेके बैठ गई तो ये क्या करती हैं, उसको पूरा हाथ पैर मार करके हटा देती हैं, और जो है तब अपने बैठेंगी मेरी गोद में। इनको पूरा जो है हर जगह इनकी ही छत्र छाया, इनका ही राज, इस घर में इनकी ही हुकूमत चलती है एलिजा की। कोई मेहमान भी आ जाएगा उसको इतना भौंकती हैं, दौड़ दौड़ कर काटने जाएंगी। इसलिए हमारे यहाँ पे कोई आना भी पसंद नहीं करता इनके वजह से। छोटे बच्चे तो आते ही नहीं, मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ छोटी बच्ची हो आती नहीं है कि आंटी के घर पे एलिजा रहती हैं। एलिजा बहुत काटती हुई, क्यों तुम्हें बहुत दिन हो गए आए हुए? बोले नहीं आंटी, आपके यहाँ पे एलिजा भी बहुत भौंकती है, बहुत काटती है। ये देखिए ये अभी कैसे, ये ब्रोकली लिया आदमी, उसके लिए वो कितनी ज़्यादा नाटक करती है। ब्रोकली खाती हैं, सैलेड खाती हैं, जो है सैलेड और ब्रोकली तो चलो फिर भी ठीक है, पर ये जो मलाई, और डॉक्टर ने दूध के लिए भी, मिल्क के लिए भी कहा है कि उसमें हाफ पानी हाफ मिल्क दीजिए, नुकसान करता है इनको, स्पेशली इन टाइप की ब्रीड को। तो ये जो है नहीं मानती, इनको बोर्नविटा वाला दूध चाहिए। ऐसा सिंपल दूध भी नहीं चाहिए, इनको पसंद आता बोर्नविटा वाला। स्मेल कर लेती हैं फिर जब बच्चे पीते हैं तो ये ग्लास को मार के वो करके इनको थोड़ा दो ही इनकी बाउल में, फिर ये खाती हैं पीती हैं। पेडिग्री तो नहीं, पेडिग्री में बहुत सारे कैल्शियम में मिलाती हूँ इनकी, जो कैल्शियम की दवा आती है या इनके जो ड्राई आते हैं वो जो चिकन विकन के वो सब मिलाती हूँ तब जा कर के ये खाती हैं, नहीं तो ये खाती ही नहीं है। पेडिग्री पूरे दिन पड़ी रह जाएगी, नहीं खाएंगी ये, इतना परेशान कर देती हैं फ्रेंड। और बहुत ज़्यादा देखिए कैसे खा रही हैं ब्रोकली, वही कुछ इनका खाने का रहता तो नहीं खाती, रोटी नहीं खाती हैं, पराठा खाती हैं। रोटी में यदि घी लगा रहेगा तो थोड़ा पसंद करती हैं, वो भी ऊपर की फलके, नीचे की रोटी नहीं। इनको घी लगी चीज़ें, फ्राई की हुई चीज़ें इनको चाहिए होती हैं। देखिए ब्रोकली को, ब्रोकली के लिए तो जान देती है, ब्रोकली कैरेट टोमेटो ये सब, ये रैबिट हैं, इनको ये सब खाना पसंद है। हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा इनको मुश्किल होती है, फिर भी मैं इनके लिए लाती हूँ जो ड्राई चीज़ें होती हैं,
कि इनको जो भी प्रोटीन की चीज़ें अच्छे से इनको दे दें, इसका पूरा जो है फ्रूट का वो मिले इसको। लेकिन मीठे की तो ये बहुत ही ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसको मीठे की महक आ जाती है। ये लोग बोलते ना कि मोटू, हेलो मोटू, व्हाट आर यू वेटिंग मोटू, हाय मेरा मोटू, कैसा है बच्चा मेरा, कैसा है आज, खा रहा है ब्रोकली बैठ करके, एलिजा हाई हाई सो स्वीट एलिजा बे सो स्वीट। अभी देखिए इनकी जीभ, दिन भर ये सोती रहती हैं फ्रेंड। और ये सोती कहाँ है मालूम आपको, जब मैं बेड पे लेटती हूँ तो मेरे पीलो के पीछे आकर के वहीं पे लेट जाती हैं ये। और रात को भी ये जो है मैं सुला देती हूँ इनके बिस्तर पर ले जा करके, लेकिन ये भाग करके हमारे बिस्तर पे आती हैं और ऐसे सोती हैं। ये दब वब भी जाती हैं तो उसमें रात को नहीं चिल्लाती हैं, एकदम प्यार से सोती रहती हैं। और अभी तो थोड़ी ठंडक का मौसम है, वो सॉफ्ट कंबल है उलन के, तो उनको पूरा वही कंबल बिछाने को चाहिए, वही ओढ़ने को इनको चाहिए। मैंने जबकि इनकी अलग से गद्दी लाई है, इनका छोटा सा ब्लैंकेट लाया है मैंने इनको सुलाने के लिए, पर ये इनको ज़्यादातर हम लोगों के बेड पे ही सोने को चाहिए। अभी नीचे सोना पसंद नहीं करती, अपनी इंसल्ट समझती हैं एलिजाबेथ। पूरी मालकिन है ये मेरे घर की। देखिए घर में पहले जो भी आए, जब बच्चे भी आते हैं, कोई भी आता है, तो अपने गाड़ियों की हॉर्न भी ये पहचानती हैं, तुरंत दरवाजे पे जाएंगी सारी। देखिए इतने जानवर ये होते हैं, मोटू मेरी ऐसी हैं कि सारी गाड़ियों का हॉर्न पहचान लेती हैं और दरवाजे पे जा करके कुछ कर तो सकती नहीं, फिर पैर से मारना शुरू करेंगी कि दरवाज़ा खोलो, गेट खोलो, आ गए हैं लोग। बहुत तेज अपनी गाड़ियों का, इतनी सारी गाड़ियों की हॉर्न सुनाई देती है, पर इनको अपनी गाड़ियों की हॉर्न बराबर पहचान में आती है। इनके इनके फिक्स समय से घूमने को चाहिए। यदि नहीं ले जाओ तो अपना ला करके बेल्ट खुद देंगी सामने वाले को कि अब चलो, अब ये समय हो गया मेरा नीचे जाने का, ले चलो। उस समय लगेंगी भौंकने, लगेंगी परेशान करने, फिर लेके जाओ ही। बारिश में थोड़ा हम अवॉइड करना चाहते थे, फिर भी ये इतना भौंकती थी, इतना भौंकती थी कि जाना ही पड़ता था। मैं इसको लेके जाती थी, फिर आके पैर वैर धुलने पड़ते थे, क्योंकि बारिश के मौसम में तो थोड़े पैर गीले हो जाते, कीचड़ लग जाता है। इनको अभी भी मैं लेकर के आती हूँ तो पैर धोती हूँ इनका, मुंह पे कुछ लगा देती हूँ, पर क्या करें, डॉग तो डॉग ही होते हैं ना, इनको नीचे सूंघने की बहुत आदत होती है। आप ही करके मस्त बैठी हैं। हेलो एलिजाबेथ, एलिजा एलिजा एलिजा, क्या खा रही हो मुट्टू, एलिजा क्या खा रही हो, एलिजा क्या खा रही हो मुट्टू, बाउ बाउ कर दो, बाउ बाउ कुट कुट, बाउ बाउ फिर मुट्टू, बाउ बाउ कर दो, एलिजा हेलो गुड गर्ल मुट्टू, मेरा मोटू आज बच्चा बहुत नाराज है, इसको कुछ स्वीट मिली नहीं खाने को, तो इसलिए बहुत नाराज है। थोड़ा सा भी स्वीट देखिए, डॉक्टर देखिए इतना मना करते हैं कि उनके बाल झड़ते हैं और बहुत नुकसान देता है, तो क्या करें। अभी हमारे यहाँ फंक्शन था तो मेहमान आते थे, मेहमानों को इतना इन्होंने भौंका, इतना भौंका कि भौंक भौंक कर बेचारी बीमार हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। पर सब मेहमानों के पास जाकर थोड़ा सा मीठे के लिए बैठ जाती थी, लोग देते थे मना करने पर भी, भाई प्यारी सी तो है ही हैं ये, चली जाती हैं। मैं खाई तो इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे, फिर हम लोगों को फिर डॉक्टर के पास में जाना पड़ा, फिर इसको दवा लेनी पड़ी, फिर इसका शैम्पू चेंज करना पड़ा, फिर अभी शाम को इसको मतलब आयलिंग जैसे करना पड़ता है मुझको, बाल झड़े नहीं इसके। पर बहुत इनको ज़रा सा भी हर नुकसान करने वाली चीज़ ही अच्छी लगती है, बढ़िया चीज़ नहीं अच्छी लगती है। देखिए कैसे देख रही हैं फ्रेंड्स, इनकी आँख बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत इनकी सेवा करनी पड़ती है मुझे, आँखों में आई ड्रॉप डालना, मसाज करना, कॉम करना, ये सब तो डेली के ही रूटीन में है इनके, दवा देना टाइम से। हेलो एलिजा, अभी देखिए किचन के पास आ गई हैं, भगी हैं चुपके से कि हमको कोई देखे नहीं, कुछ नहीं करे, चुपके से जान रहे हैं कि इनका वीडियो बन रहा है, तो इनको बड़ी गुस्सा आ रही है अभी।
जाके किचन के पास खड़ी होकर अंदर चली जाएंगी, वहाँ पे बैठेंगी, कुछ खाने के लिए चाहिए।